क्या कहा है पहले क्वेश्चन में? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अबाउट द अर्थ सरफेस वुड बी हाफ ऑफ इट्स वैल्यू ऑन सरफेस ऑफ अर्थ एट एन अल्टीट्यूड ऑफ. सो देखो ऐसा पूछा है, जी ऑफ एच की वैल्यू एट हाइट एच इज जी बाय टू. तो ये हाइट कितनी होगी ये पूछा है. अब देखो दिस वैल्यू ऑफ जी इज हाफ. यहां पर हमारा अप्रोक्सीमेशन वाला यूज अपन कर सकते हैं क्या? एच इज वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू आर ई, कर सकते हैं? कर सकते हैं? यस और नो? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना. नहीं सर. हाफ हुई है, ठीक है. 10-15% का चेंज, ठीक है. दिस इज 50% का चेंज. तो वैसा नहीं कर सकते. फिर क्या करना पड़ेगा? g ऑफ h क्या रहेगी ये वैल्यू? g m e r e प्लस h का स्क्वायर इक्वल टू, ये क्या आने वाला है जी? जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वेयर, सही है, अपॉन टू. जी एम ई चला गया, रूट ले लेते हैं तो यह आ जाएगा आर ई प्लस एच इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर ई. सो एच इक्वल टू 1.41 माइनस 1 इक्वल टू आर ई. सो 0.4 इंटू आर ई की वैल्यू. अब देखो रेडियस दी है 400 माइल. सही है, एच इक्वल टू 1600 माइल. आगे जाते हैं. Two identical satellites A and B are circulating around the Earth at a height of r and 2r. Height कहाँ है? ठीक है, ये हाइट डी है, टू टाइम्स आर, ये हाइट है आर और ये रेडियस है आर. सो अगर इन सर्कल की रेडियस देखी जाएगी तो ये आर है, ये टू आर है और ये थ्री आर है. ठीक है,
the ratio of kinetic energy of A to that of B. A कहाँ पर है at height? So kinetic energy at A to kinetic energy of B. क्या रिलेशन है काइनेटिक एनर्जी का? माइनस ऑफ टी. काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव रहती है, माइनस ऑफ पी. हाँ, माइनस ऑफ पी रहेगा या माइनस ऑफ टोटल एनर्जी? टोटल एनर्जी क्या रहेगा? जी एम ई इंटू एम अपॉन टू टाइम्स ऑफ RE plus H. क्या सही है? Yes. Divided by. This is for A. ऐसा ही निकालना पड़ेगा B के लिए. पुट कर देते वैल्यू. अब देखो जी एम ई इंटू एम आइडेंटिकल है इसलिए मास भी सेम है, ये सब चीजें चली जाएगी. सो ये आ जाएगा आर ई प्लस एच फॉर बी अपॉन आर ई प्लस एच फॉर ए. दिस इज आर ई या इस केस में आर आ जाएगा प्लस बी की हाइट कितनी है? तो देखो B की हाइट है 2R, H मिला रहे हैं, सो 2R आ जाएगा. और A की हाइट कितनी है? A की हाइट है R, तो ये रेशो आना चाहिए 3/2. सही है क्या? हाँ सर, बिल्कुल सही है. चलो सर, मेरा तो 2:1 आया. 2:1 आया? क्यों? सर मेरा भी 2:1. ओके, एक सेकंड. चलो थर्ड क्वेश्चन देखो क्या कहता है. थर्ड क्वेश्चन तो आसान है. द टाइम पीरियड टी ऑफ मून ऑफ प्लैनेट मार्स ऑफ मास एम इज रिलेटेड टू इट्स ऑर्बिटल रेडियस. टाइम पीरियड और ऑर्बिटल रेडियस का क्या रिलेशन पता है हमें? तो दो चीजें हमें पता है. क्या सर, कौन बताएगा क्या पता है हमारे पास इस क्वेश्चन के रिलेटेड? देखो हमने कल ही डेरिवेशन किया था. नहीं है, दो चीजें हमारे पास है. एक टाइम पीरियड इक्वल टू 2πr अपॉन v, ठीक है, और v के लिए कुछ रिलेशन आ सकता है क्या? तो हाँ, m by r mv square upon r. ये कौन प्रोवाइड करने वाला है सेंट्रिपिटल फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स. बरोबर है, दिस इज रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, इट इज प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है, इफ दैट इज द केस वी रहेगा जी एम अपॉन आर. क्या ये वैल्यू यहां पर पुट कर सकते हैं क्या? yes. क्या स्क्वेयर कर सकते हैं क्या? अपॉन आर को ऊपर लिखा प्लस वन, तो क्या रिलेशन आ जाएगा? टी स्क्वेयर इक्वल टू 4π स्क्वेयर आर क्यूब अपॉन जी एम है क्या ऑप्शन? हाँ सर, ऑप्शन ए बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है. हाँ,
चलो फोर्थ क्वेश्चन देखो. A body of mass m kg starts falling from a height of from a point 2r above Earth's surface. m kg की बॉडी है कितने हाइट से गिर रही है 2r से. इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट हैज फॉलन टू अ पॉइंट r अबव अर्थ सरफेस विल बी. ये 2r हाइट है और यहां से r हाइट पर आने के बाद उसकी काइनेटिक एनर्जी पूछी हुई. ठीक है, निकाल सकते हैं क्या? आराम से निकाल सकते हैं. हमें पता है टोटल एनर्जी एट बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट ए. हाँ सर, बिल्कुल सही है. इफ दैट इज द केस, टोटल एनर्जी एट बी क्या इतनी रहेगी? सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी विच इज माइनस जी एम इंटू एम अपॉन ये डिस्टेंस कितना है, हाइट 2r है तो ये आ जाएगा 3r. यहां से ये डिस्टेंस है 3r. ठीक है, सेंटर से सरफेस से हाइट है 2r. अब यहां पर ये आते आते ये कन्वर्ट हो जाएगी पोटेंशियल प्लस काइनेटिक में विच इज जी एम इंटू एम अपॉन 2r प्लस काइनेटिक एनर्जी. सर काइनेटिक क्यों लिखा? क्योंकि डायरेक्टली काइनेटिक ही निकालना है. सो बस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ये उधर गए तो पॉजिटिव हो जाएंगे जी एम इंटू एम. एलसीएम अगर 6 आता है तो इसे 3 से मल्टीप्लाई किया माइनस इसे 2 से मल्टीप्लाई किया है तो ये आ जाएगा जी एम इंटू एम अपॉन 6r. है क्या ऑप्शन? यस सर. यस सर. ठीक है, ध्यान में आया ना? देखो सिंपल फॉर्मूला ध्यान में रखना है, सिचुएशन समझनी है, हाइट कहा है या सेंटर ऑफ अर्थ कहा है ये पक्का करना पड़ेगा. सो हाइट कहा है तो इट विल बी अबव अर्थ सरफेस. अबव अर्थ सरफेस हाइट रहेगी, सेंटर से डिस्टेंस रहेगा, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ. ऐसा अगर कह रहा तो उसमें आर मिलाने की जरूरत नहीं है. यहां पर हाइट 2r है तो सेंटर से रेडियस प्लस 2r रहेगा. ठीक है, चलो आगे जाएंगे. क्या क्वेश्चन है देखो. एज्यूमिंग अर्थ टू बी अ स्फीयर ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन इन अ माइन 100 किलोमीटर बिलो द अर्थ सरफेस. तो इस माइन के अंदर कितनी अंदर है? दिस इज हंड्रेड किलोमीटर. ये वैल्यू आपको पूछी है.
और सिर्फ यूनिफॉर्म डेंसिटी वाली है अर्थ, ऐसा कहा है, तो आपको तुरंत ध्यान में आना चाहिए, सर इसका मतलब ये जो नीचे वाला पोर्शन है, दैट पोर्शन will contribute in gravitational pull. तो बिल्कुल रिलेशन लिख लेते हैं, small g at depth d equal to capital G mass, जो कुछ भी रहेगा नीचे वाले पोर्शन का, upon r minus d का square. ठीक है, अब ये मास कैसे निकालना हमें पता है, दिस मास इक्वल टू मास ऑफ अर्थ इनटू वॉल्यूम ऑफ अर्थ इनटू वॉल्यूम ऑफ, दिस इज डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम, इनटू वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगी जो स्पीयर आपको चाहिए उसका मास. ठीक है, 4 by 3 pi चले जाएंगे, यह आ जाएगा कैपिटल जी इंटू एमी अपॉन आर स्क्वेयर इंटू आर ई माइनस टी का क्यूब अपॉन आर माइनस डी का स्क्वेयर इंटू यहां का आर बचने वाला है. सो यह आपको पता है, दिस इज जी आर माइनस डी, क्योंकि ये क्यूब क्यूब में का स्क्वेयर स्क्वेयर के साथ कैंसिल हो जाएगा, दिस इज आर माइनस डी अपॉन आर. बस कर लो फिर, जी की वैल्यू इंटू आर माइनस डी इज 100 किलोमीटर, 6400 माइनस 100, 6300 अपॉन 6400. अब देखो ये वैल्यू 9.8 है, तो ये 9.8 से थोड़ी सी कम आएगी, तो ये वैल्यू 9.66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आनी चाहिए. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. If mass of Earth is 80 times that of planet and diameter is double that of planet and g on Earth is 9.8 meter per second square, then value of g on that planet. So basically देखो, value of g on planet पूछना है. ठीक है, g of Earth दिया है और कहा है मास ऑफ अर्थ इज 80 टाइम्स दैट ऑफ प्लैनेट. तो मास ऑफ अर्थ इज 80 टाइम्स मास ऑफ प्लैनेट. ठीक है, इसका मतलब मास ऑफ प्लैनेट इक्वल टू 1/80 टाइम्स मास ऑफ अर्थ एंड डायमीटर ऑफ अर्थ इज डबल दैट ऑफ प्लैनेट. Diameter of Earth is double that of planet, that is radius of Earth is 2 times radius of planet. So RP equal to RE by 2. और अब हम कह सकते हैं as G of planet equal to capital G mass of planet upon radius of planet का square, that is capital G. रेडियस ऑफ प्लैनेट
this is 1 by 80 into 4 by 1 into GME upon RE का square. देखो this is 1 by 4, हाँ, 1 by 2 का square मतलब. Denominator में 1 by 2 मतलब ये 4 ऊपर चले गए. और ये 1 upon 80 numerator के denominator में ये यहाँ पर लिखा. तो ये हो गए 20 और ये हमारे G की value है. This is 9.8 upon 20. ये हो जाएगा 0.49. हाँ सर बिल्कुल सही है. ठीक है चलो देखो भाई क्वेश्चन 7 क्या कहता है. अ सैटेलाइट ऑफ अर्थ इज रिवॉल्विंग इन अ सर्क्यूलर ऑर्बिट विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड वी. सैटेलाइट सॉरी अर्थ ऑर्बिट और ये है हमारा सैटेलाइट. इट इज रिवॉल्विंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड वी. ठीक है पिक्चर क्लियर हो गया. इफ द ग्रेविटेशनल फोर्स सडनली डिसअपियर्स. ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो इसका सेंट्रीपिटल फोर्स करके एक्ट कर रहा था इट सडनली डिसअपियर्स. तो क्या होगा. तो आपको पता है इसकी सर्कुलर मोशन चालू है तो इसकी वेलोसिटी रहती है अलोंग टेंजेंट. तो देखो ऑप्शंस देख लेते हैं फिर अपने को ध्यान में आ जाएगा. इट विल कंटिन्यू टू मूव विथ वेलोसिटी वी अलोंग ओरिजिनल ऑर्बिट मूव विथ वेलोसिटी वी टेंजेंशियली टू द ओरिजिनल ऑर्बिट फॉल डाउन विथ इंक्रीजिंग वेलोसिटी अल्टीमेटली कम टू रेस्ट समवेयर ऑन द ओरिजिनल ऑर्बिट. क्या होना चाहिए बताओ. ऑप्शन बी. बी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है. विथ वेलोसिटी इट इज ग्रेविटेशनल फोर्स व्हिच इज कीपिंग सैटेलाइट इन द ऑर्बिट. अगर ग्रेविटेशनल फोर्स चला गया तो इसकी नेचुरल टेंडेंसी जो है वी वेलोसिटी से आगे जाना वो ये कंटिन्यू करेगा. ठीक है हाँ सर बिल्कुल सही है. चलो आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन 8. If the force inside the earth surface, force inside the earth surface varies as n, actually ये r to the power n आना चाहिए. ठीक है where r is distance of body from the center of earth, then the value of n will be. देखो अर्थ के इनसाइड इनसाइड वाला अगर कोई पॉइंट रहेगा इस पॉइंट पर ये फोर्स कैसे वैरी हो रहा है विथ रेडियस. तो हमें कहना पड़ेगा देखो हमें पता है यहाँ का ग्रेविटेशनल फोर्स होता है कैपिटल जी पुल करने वाला मास जी मास ऑब्जेक्ट का मास अपॉन डिस्टेंस. इफ इट इज एट डिस्टेंस डी तो हमें लिखना पड़ेगा रेडियस ऑफ अर्थ माइनस डी का स्क्वायर
अब ये मास निकालना पड़ेगा, हमें पता है हमने अभी निकाला ये, दिस इज जी, मास ऑफ अर्थ अपॉन 4/3 pi रेडियस ऑफ अर्थ का क्यूब इनटू उसका मास विच इज 4/3 pi आर माइनस डी का क्यूब, ठीक है, अपॉन आर माइनस डी का स्क्वेयर, 4/3 pi कैंसल, 4/3 pi कैंसल, आर माइनस डी स्क्वेयर चला गया, आर माइनस डी बचा। अब देखो दिस इज रेडियस ऑफ अर्थ, सो ये हो जाएगा कि एमी रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वेयर इनटू आर माइनस डी अपॉन आर, ठीक है, ये वैल्यू कांस्टेंट हो गई ना, तो यहां पर क्या बचा है, आर जी इक्वल टू, सॉरी ये फोर्स बचेगा कांस्टेंट वैल्यू जी इनटू 1 - d/r। तो इसे अगर मैं थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिखता हूं तो ये जी की वैल्यू है, सॉरी ये एम छोड़ दिया है हमने, इनटू एम, सो दिस इज एम इनटू जी माइनस एम डी अपॉन आर, ठीक है, क्या एक्चुअली ऐसा करना चाहिए, हमारे प्रॉब्लम में कुछ तो अलग चीज बताई है, आगे का लिखने की जरूरत नहीं है, ये मेरा फोर्स आ गया। अब देखो एक बार क्वेश्चन की तरफ देखो, इफ द फोर्स इनसाइड द अर्थ सरफेस वेरीज आर टू द पावर एन वेयर आर इज डिस्टेंस ऑफ बॉडी फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ से डिस्टेंस हमने कितना लिया है आर माइनस डी, सो इसलिए यहां पर लिखना पड़ेगा एफ इक्वल टू जी एमी अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ कॉन्स्टेंट है, यहां पर भी रेडियस ऑफ अर्थ कॉन्स्टेंट है एंड आर माइनस डी को छोटा आर कहा है, so this force is proportional to r to the power 1, so n की value क्या आनी चाहिए, n की value will be 1, ठीक है, n की value आनी चाहिए 1, आया है क्या ध्यान में, एक एक value, question में r minus d को कहा है, हम normally जो r minus d लेते हैं उसके जगह question में r दिया है, इसलिए हमने एट द एंड यहां पर आर सब्स्टिट्यूट किया, रिलेशन आया फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू आर टू द पावर 1। चलो क्या कहता है क्वेश्चन 9, if the radius of earth were to shrink by 2%, its mass remaining the same, acceleration due to gravity of the earth surface would be, surface par acceleration due to gravity kya hai, g me upon re ka square, ab dekho hame kaha hai ye jo naya g hai which we will write up in different color इक्वल टू कैपिटल जी मास रिमेनिंग द सेम और रेडियस कितनी हो गई 2% से श्रिंक हो गई 2% छोटी हो गई मतलब 98% बची सही है क्या ठीक है एंड इफ दैट इज द केस ये बन जाएगा जी एमी अपॉन आर ई स्क्वेयर इंटू 100/98 × 100/98। तो पहले तो देख लो ये वैल्यू कम होने वाली है या बढ़ने वाली है, रेडियस छोटी हो गई
मास सेम रहा तो जी की वैल्यू डिनोमिनेटर छोटा हुआ तो बढ़ने वाली है, डेफिनेटली बढ़ने वाली है। कितने परसेंट से बढ़ेगी? ये दो बढ़ने वाले ऑप्शन है बी एंड सी। अब इसमें से कितने परसेंट से बढ़ेगी बताओ? तो आपको ध्यान में आएगा फाइनल वैल्यू इतनी हो गई तो ये चेंज कितना आ जाएगा परसेंटेज अगर निकालना होगा तो इफ दिस इज जी डैश सो इसमें से इसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। सो 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 98 इंटू 98 माइनस 1 ठीक है ये चेंज आ जाएगा। कितने में चेंज आया है? तो पहले की वैल्यू जो हमारी जी एम ई अपॉन आ रही थी ठीक है इंटू 100 करना पड़ेगा। सो ये वैल्यू आनी चाहिए कुछ तो 104 टाइम्स वगैरह आना चाहिए, सॉरी 104% आना चाहिए। देखो कितना आता है, क्या कहा है क्वेश्चन में? इफ रो इज डेंसिटी ऑफ प्लैनेट द टाइम पीरियड ऑफ नियर बाय सैटेलाइट इज गिवन बाय। टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट इज 2πr अपॉन ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब नियर बाय सैटेलाइट के लिए ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या रहेगी? ये रहे कि अंडर रूट जी एम अपॉन आर। सर यहाँ पर डेंसिटी का रिलेशन है तो मास की जगह कौन आना चाहिए? वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या रहेगा? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम आएगा। मास के जगह डेंसिटी इनटू वॉल्यूम लगा। सर आपने डायरेक्टली आर क्यों पुट किया है? आर इसलिए पुट किया क्योंकि नियर बाय सैटेलाइट कहा है। नियर बाय सैटेलाइट मतलब उस प्लेनेट के रेडियस के कंपैरेटिवली ये डिस्टेंस निग्लिजिबल है। ओके अगर ऐसा है तो फिर अपना काम आसान हो गया। कुछ कैंसिल हो रहा है, ये आर चला गया, इस आर का स्क्वेयर हो गया ठीक है। तो ये बन गया इक्वल टू, इसको मैं स्क्वायर रूट के अंदर लेता हूं, 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन जी इंटू रो इंटू 4/3 पाई इंटू आर स्क्वायर। पाई स्क्वायर का स्क्वायर चला जाएगा, 4 4 चले जाएंगे, आर स्क्वायर चले जाएंगे, 3 ऊपर चले गए, दिस विल बी 3 पाई अपॉन जी टाइम्स रो। है क्या ऑप्शन? हाँ सर बिल्कुल है ठीक है। इलेवन क्वेश्चन बढ़िया है। अ प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट, द लिनियर स्पीड ऑफ द प्लैनेट विल बी मैक्सिमम एट। कहां पर रहेगी लीनियर स्पीड मैक्सिमम? सो देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आसान भी है इंटरेस्टिंग भी है। हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा था ये सन और ये प्लैनेट इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स रहने वाला है और ये ग्रेविटेशनल फोर्स ही सेंट्रिपिटल फोर्स का काम करने वाला है। सो दिस इज एम वी स्क्वायर अपॉन आर विच इज सेंट्रिपिटल फोर्स इक्वल टू जी एम इंटू एम अपॉन आर का स्क्वायर ठीक है। लीनियर स्पीड वेलोसिटी के बारे में पूछा है तो देखो
v square equal to gm upon r. ठीक है, सो देखो v की वैल्यू मैक्सिमम तब रहेगी जब r मिनिमम रहेगा. लीनियर स्पीड विल बी मैक्सिमम व्हेन r इज मिनिमम. ऐसा कहां पर है? A. ऐसा है a पर, विच इज लॉजिकल. क्योंकि सर देखो, अगर यहां पर फोर्स बढ़ गया, a पर फोर्स बढ़ गया, c पर डिस्टेंस ज्यादा है. देखो सन एंड सी, इसके बीच का डिस्टेंस ज्यादा है. ये डिस्टेंस ज्यादा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू. सो ये फोर्स कम रहेगा, फोर्स कम रहा इसका मतलब क्या होगा, ये सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू कम रहने वाली है. ठीक है, ये डिस्टेंस कम हो गया मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ गया, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू बढ़ने वाली है. सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू बढ़ना मतलब v की वैल्यू बढ़नी चाहिए. सो वेलोसिटी एट a विल बी मैक्सिमम. क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू नहीं बढ़ी, सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट कम रही और उसके कंपैरेटिवली ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है, तो ये प्लैनेट अर्थ की तरफ खींचा जाएगा. ऐसा होता नहीं है, इसलिए यहां पर a पर आते आते स्पीड बढ़ जाती है. चलो 12 देख लो. The time period of satellite of Earth is 5 hour. If the separation between the Earth and the satellite is increased to 4 times the previous value, the new time period will become. The time period of satellite of Earth is 5 hour. ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट इज 5 आवर. इफ द सेपरेशन बिटवीन द अर्थ एंड सैटेलाइट इज इंक्रीज टू 4 times, मतलब अभी जो है ना ये डिस्टेंस r, ये नया डिस्टेंस r न्यू या r डैश इज 4 times r ऑफ r, तो ये t डैश कितना रहेगा ये बता दो. तो हमारे पास एक चीज है, t स्क्वायर अपॉन r क्यूब इक्वल टू कांस्टेंट. सो हम लिखेंगे t स्क्वायर अपॉन r क्यूब इक्वल टू t डैश का स्क्वायर अपॉन r डैश का क्यूब. पहला टाइम पीरियड है 5 आवर्स, रेडियस है r क्यूब, अब नया टाइम पीरियड है टी डैश और नई रेडियस है 4 times ऑफ आर. सो दिस इज 4 times ऑफ आर का क्यूब. ठीक है, देखो आपको ये पता है टी डैश स्क्वायर इक्वल टू 4re का क्यूब. 4 का क्यूब है 64, आर ई क्यूब इंटू 5 इंटू 5 दैट इज 25 अपॉन आर क्यूब. रूट लेते हैं, ठीक है, टी डैश इक्वल टू 64 का रूट 8, 25 का रूट 5, 8 5 = 40. एक ऑप्शन, नया टाइम रहेगा 40 आवर्स. ठीक है, थर्टीन क्वेश्चन देखते हैं. द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 4 particles ईच ऑफ मास 1 kg प्लेस्ड एट 4 vertices ऑफ ए स्क्वायर ऑफ लेंथ 1 meter इज. पोटेंशियल एनर्जी पूछी है,
ठीक है, मास कितना है 1 kg। ठीक है, बस इसको 1 मानते हैं, इसको 2 कहेंगे, इसको 3 कहेंगे और 4 कहेंगे, और ये सभी की पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं। सो देखो, पोटेंशियल एनर्जी निकालते वक्त क्या करना है, सभी पेयर्स कंसीडर करनी पड़ेगी। तो कितनी रहेगी पोटेंशियल एनर्जी बताओ। देखो 4 पेयर है, 1, 2, 2, 3, 3, 4 एंड 4, 1, ऐसी 4 पेयर्स है, ठीक है, जिनके बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है। ठीक है, मास कितना है, पहले तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद कर लो, minus g m into m, m1 into m2 upon r। ठीक है, so this is minus 4 times of 1 into 1 minus g minus 4 times bracket के अंदर minus g 1 into 1 upon 1 plus 2 pairs है। कैसी 2 pairs है, ये वाली 2 diagonal जिनके बीच का distance root 2 times है। कितना आ जाएगा ये, माइनस 4g प्लस, एक्चुअली माइनस आएगा, ये माइनस है ये प्लस है, 2 अपॉन रूट 2 इज रूट 2 टाइम्स जी, दैट इज माइनस, इसकी वैल्यू 1.4, दैट इज 5.4 टाइम्स ऑफ जी। सर इतना सिंपल था ये? हाँ ये इतना ही सिंपल है। ठीक है, क्वेश्चन देख लो। द एस्केप वेलोसिटी फॉर अ बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ इज 11 km/s। इफ द बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 45° विथ वर्टिकल, द एस्केप वेलोसिटी विल बी, देखो ये हमारी अर्थ है, इसको एस्केप होना मतलब बहुत दूर जाना पड़ेगा, अब यहां से वर्टिकली प्रोजेक्ट किया या 45° के एंगल में प्रोजेक्ट किया, क्या फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि अर्थ के रेडियस के कंपैरेटिवली इसको जाना कहां पर है, इसको तो इन्फिनिटी पर जाना है, इन्फिनिटी पर जाएगा तो चेंज इन एनर्जी तो उतनी ही रहने वाली है, डिस्टेंस तो उतना ही ट्रैवल करना है। ठीक है, ये डिस्टेंस 0 to infinity रहेगा। सर 0 क्यों कह रहे हो, क्योंकि क्योंकि इंफिनिटी के सामने अर्थ की रेडियस बहुत बहुत छोटी है। ठीक है, इंफिनिटी के सामने अर्थ की रेडियस बहुत बहुत छोटी है, सो इट्स लाइक ये अगर वर्टिकल है और इसको इंफिनिटी पर जाना मतलब इस प्रकार से जाना होगा, तो
45 डिग्री के एंगल में जाना, मतलब इस प्रकार से जाना होगा। दूसरा आप कह सकते हो, सर देखो एस्केप वेलोसिटी का, एस्केप स्पीड का रिलेशन आया था हमारा अंडर रूट टू टाइम्स जी एम अपॉन आर ई। सर यहाँ की कोई भी चीज ये एंगल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, सो सभी केसेस में ये वैल्यू सेम रहने वाली है। तीसरा आप ऐसा कह सकते हो, सर अभी जो है सरफेस पर इसकी एनर्जी रहेगी माइनस जी मास ऑफ अर्थ इनटू एम अपॉन आर ई, इन्फिनिटी पर जाएगा तब इसकी एनर्जी होने वाली है जीरो। अगर ऐसा है तो हमें इसको जो काइनेटिक एनर्जी एस्केप वेलोसिटी के फॉर्म में देनी है वो सेम रहने वाली है, सो एस्केप वेलोसिटी सेम रहेगी। ठीक है, तो एस्केप वेलोसिटी सेम रहेगी तीनों एंगल से, हमारा आंसर 11 किलोमीटर पर सेकंड यही आता है।